हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों बहुत समय बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए, लगभग 2 महीने बाद वीडियो आ रही है चैनल पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इसी माफ़ीनामे के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होती है, सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रेस क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आज जानेंगे कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस एक्चुअली में होती क्या है, और दोस्तों इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, दोस्तों इट इज डिफाइंड It is defined as the force applied to the unit area to produce a change in the shape, volume or length of a body। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि जो स्ट्रेस है वो होती है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड टू द यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप ऑफ वॉल्यूम लेंथ, शेप वॉल्यूम और लेंथ ऑफ ए बॉडी। तो दोस्तों ये हो गई अपनी स्ट्रेस। तो अब ये इसका ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, अब बात करते हैं इसको, मैं आपको बाइफरकेट करके अच्छी तरह समझा देता हूं कि ये एक्चुअली होती क्या है। दोस्तों मान लीजिए ये कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, इसको जब हम यहां से खींचें और यहां से खींचें तो इसके अंदर जो खिंचाव पैदा होगा, ये जो खिंचाव है ये जो फोर्स ये जो एप्लीकेबल फोर्स है, ये फोर्स और ये वाली फोर्स, ये हो गई स्ट्रेस। जो ये फोर्स इसके ऊपर डाली जाती है वो हो गई स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस वो खिंचाव होता है, वो फोर्स वो ताकत होती है जो किसी बॉडी के ऊपर डाली जाती है जैसे उसको खींचने के लिए, और उस खिंचाव से जो उस बॉडी में चेंज होते हैं, जो चेंज आते हैं, जो उस बॉडी में चेंज आते हैं, वॉल्यूम उसकी बदल जाती है, उसका कोई शेप होता है। मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, इसको ऊपर से प्रेस किया, नहीं ऊपर से फोर्स डाली, नीचे से फोर्स डाली, और ये फैल जाती है, इस टाइप से फैल जाती है या ये बिखर जाती है, तो ये भी स्ट्रेस हो गई। यानी कि स्ट्रेस होता है किसी भी वस्तु के ऊपर दबाव डालना या खिंचाव करना है, मतलब बेसिकली ये हो गया तनाव, किसी भी उसके ऊपर ऐसा दबाव डालना या खिंचाव करना किसी भी बॉडी के ऊपर जिससे उसकी वॉल्यूम लेंथ या शेप बदल जाए, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। तो दोस्तों ये तो हो गई स्ट्रेस, अब बात करते हैं, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या होती है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। अब एक बार आगे बढ़ने से पहले इसका स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला और देख लेते हैं अपन। दोस्तों स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है दोस्तों, ये इसको फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये होता है दोस्तों स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, फोर्स बाय में एरिया, ये हो गई आपकी स्ट्रेस, इससे आपकी स्ट्रेस निकलाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आगे बढ़ते हैं अपन।
चलिए अब बात करते हैं आगे टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। क्या टाइप ऑफ स्ट्रेस? अब ये दोस्तों टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? टाइप ऑफ स्ट्रेस, कौन कौन से टाइप की स्ट्रेस होती है ये जानते हैं और समझते हैं उसको कि ये क्या होती है। टाइप ऑफ स्ट्रेस पहली है टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है दोस्तों? टेंसाइल स्ट्रेस होती है व्हेन स्ट्रेस चेंज द लेंथ, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है जब एक स्ट्रेस यानी एक फोर्स लेंथ को चेंज कर देती है ना, तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब इसको एक फॉर्मूला के द्वारा, मतलब एक पिक्चर के द्वारा मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कोई भी एक बॉडी होगी, ये कोई भी बॉडी होगी, इसके ऊपर ये फोर्स ये डाली, एक फोर्स इधर से इसको खींच रही है और ये जो इसके अंदर ये खिंचाव, यहां जो खिंचाव पैदा होता है ये वाला एरिया, मान लीजिए ये खिंच जाता है या ये चेंज हो जाती है, तो ये क्या होगा, जब पहले मान लीजिए ये जो लेंथ पहले एल थी वो अब बढ़ के इसमें इसके खिंचाव में जो टोटल लेंथ थी, अब जब ये खिंचाव हो जाएगा तो ये जो लेंथ इसमें जो बढ़ जाएगी, ये पहले मान लीजिए यहां तक था, अब ये यहां तक बढ़ गया है, ये लेंथ जो थी पहले एल थी अब ये खिंचाव होके बढ़ जाती है एल प्लस वन हो जाती है, यानी जो इसका इसमें जो खिंचाव है वो और जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका भी क्या है, वो होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स वाई में एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के जानते हैं कि दूसरी कौन सी अपनी, दूसरी होती है दोस्तों अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेशनल, सी ओ एम पी आर ई एस आई ओ एन ए एल स्ट्रेस। अब ये क्या, ये होती है जो स्ट्रेस व्हेन ए स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम, ये होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लीजिए ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, इसको ऊपर से कंप्रेस करें, ये इसके ऊपर फोर्स डालें, ये एक फोर्स नीचे से आके इसको दबा रही है, तो ये जब दोनों फोर्स इसको दबाएंगी तो ये क्या होगा, ये जब इसके ऊपर जब उधर से इधर से फोर्स डालेगी तो इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इस शेप में आ जाएगी, जहां ये शेप और ये शेप इसकी होगी तो ये इसको बढ़ा के इसकी वॉल्यूम जो है चेंज कर देगी, बिल्कुल ये इस टाइप से इसको कर देगी, दबा देगी, यानी ये जो वॉल्यूम इसकी चेंज हुई है ये वॉल्यूम चेंज कर देगी, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब दोस्तों तीसरी जो स्ट्रेस होती है वो अपनी होती है शेयर स्ट्रेस। तीसरी कौन सी है दोस्तों? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस अब ये क्या होती है, व्हेन ए स्ट्रेस चेंज द शेप, यानी जब एक स्ट्रेस शेप चेंज कर देती है तो उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। दोस्तों इसमें शेयर स्ट्रेस में आपकी कोई भी बॉडी है उसमें खिंचाव से भी, मान लीजिए दो साइड से खिंचाव हो रहा है और यहां से दबाव
इससे कंप्रेस किया जा रहा है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों अप्लीकेबल होती है, और उससे इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो दोस्तों ये आज हमने बात की स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होती है और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। अपनी कल की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बीच की। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय।